नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। पूरे देश में इन दिनों मानसूनी बरसात हो रही है। हमारी अर्थव्यवस्था और खुशहाली का मानसून से सीधा कनेक्शन है, लिहाजा पूरा देश मानसून का बेसब्री से इंतजार करता है। बारिश के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, पूजा होती है, लिहाजा बारिश को राहत और खुशहाली की सौगात के तौर पर देखा जाता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, जब आसमान से पानी के साथ परेशानी बरसती है, देश के अलग अलग शहरों से जल जमाव की तस्वीरें सामने आती हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे शहर बारिश के आगे बेबस हो जा रहे हैं? जो लोग पानी में घिर जाते हैं वो क्या करें और समस्या का आखिर समाधान क्या है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा और ग्राउंड से जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगी गुजरात से। चर्चा की शुरुआत करें, ग्राउंड रिपोर्ट अपने संवाददाता से लें, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानो बादलों ने जूनागढ़ के पैरों तले जमीन खींच ली है। जूनागढ़ वैसे तो बड़ा शहर है, लेकिन बारिश के बाद मानो ये शहर पानी के समंदर में खो गया है। जहां तक नजर है वहां तक पानी है, और जहां तक असर है वहां तक केवल और केवल परेशानी है। हाल यह है कि तैरती कारें शहर में सड़कों के पते खोज रही हैं। और बाढ़ का पानी अनचाहे मेहमान की तरह घर तक पहुंच गया है। एक समय था जब बादलों से मेहरबानी बरसती थी, लेकिन लगता है अब बादलों से केवल परेशानी बरसती है। ऐसा क्यों है, इसके लिए जरा ये भी देख लीजिए। ये जूनागढ़ की वो गली है जहां कल तक लोगों की आवाजाही रहती थी, आज इन गलियों से सैलाब गुजर रहा है। कुल मिलाकर जूनागढ़ का दिल दरिया बना हुआ है और इस दरिया से शहर को डूब के जाना है। बारिश के पानी में डूब जाने की टीस केवल जूनागढ़ की है ऐसा नहीं है। सूरत की सूरत भी बारिश के बाद बिगड़ी बिगड़ी सी है। यहाँ भी कई इलाकों में बारिश के बाद हाल बेहाल है। मंदिर से लेकर घर तक पानी पानी हो चुके हैं। चाहे गुजरात का तापी हो या फिर नवसारी, बारिश की जल परीक्षा में अब तक हर शहर फेल साबित हुआ है। गुजरात से गुजरते बादलों के चलते लोगों पर क्या गुजर रही है ये तो आपने देख लिया। अब जरा मुंबई का हाल भी देख लीजिए। ये वो शहर है जहां की बीएमसी दुनिया के सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक है, लेकिन जब बारिश होती है ना ही बीएमसी की कोशिशों का असर नजर आता है और ना ही प्रशासन के लंबे चौड़े दावे बारिश के आगे टिक पाते हैं। हमने जबरदस्त तैयारी की है मानसून का को फेस करने के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पिछले 20-25 साल से नियम थे उसमें ये था कि 75% जो डीसिल्टिंग है वो करनी है 31 मई तक, और बाकी 15% करनी है जून से सितंबर तक, और अक्टूबर के बाद में हम 10% बाकी करते हैं। परंतु इस बार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमें जो आदेश दिए कि जितना हो सके आप मैक्सिमम आप डीसिल्टिंग करो, आप ये परसेंटेज मत जाइए। बारिश में मुंबई का हाल बेहाल है, तो बारिश में छोटे शहरों का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पटना है जहां से बिहार का राजकाज चलता है, लेकिन जब बारिश का राज आता है तो क्या राज और क्या काज, सब पर पानी फेर कर चला जाता है। पटना में मानसून की पहली बारिश क्या हुई, सड़क पर गाड़ियों ने जल समाधि ले ली।
पटना में मानसून की हल्की फुहारों से जहां एक तरफ पटना वासियों को गर्मी से निजात मिली है, वहीं दूसरी तरफ जल जमाव की वजह से काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है पटना वासियों को। आपको बताते चले कि हम अभी पटना के पॉश इलाके हार्डिंग रोड में है, जो कि विधानसभा के ठीक बगल में है और सचिवालय के भी ठीक बगल में है, और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी लगा हुआ है। सवाल है कि आखिर बारिश के आगे हमारे शहर इतने बेबस क्यों नजर आने लगे हैं? क्या बरसात का पैटर्न बदल गया है, या फिर कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर बादलों के स्वागत की हमारी तैयारियों में ही कोई कमी है? वजह जो भी हो, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि बारिश ने हमारे शहरों के मुकद्दर में डूबना लिख दिया है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, मुंबई से मुस्तफा शेख और पटना से आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सवाल यही है कि बारिश की जल परीक्षा में हमारे शहर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, फेल क्यों हो जा रहे हैं? हमारे शहर इस जल परीक्षा में उत्तीर्ण क्यों नहीं हो पा रहे, पास क्यों नहीं हो पा रहे, जल परीक्षा को पार क्यों नहीं कर पा रहे? तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी विस्तार से। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद रहेंगे रवि राजा जी, जो कि फॉर्मर एलओपी हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि मेंबर रहे हैं एनडीएमए के। हमारे साथ डॉक्टर हरीश त्रिपाठी, आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानिंग से जुड़े एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और अजीत त्यागी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में, जो कि आईएमडी के फॉर्मर डीजी रहे हैं। हम सीधे लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे अपनी संवाददाता गोपिका, जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, सीधा सा सवाल ये, हमने जूनागढ़ की तस्वीरें देखी, हमने सूरत की तस्वीरें देखी, हमने तापी नवसारी तस्वीरें देखी, और ये लिस्ट लंबी है। सवाल यह है कि इस जल परीक्षा के लिए क्या गुजरात तैयार नहीं था, पहला? दूसरा, अगर तैयारी थी तो फिर यह हालात क्यों? देखिए, जूनागढ़ का जो हाल हुआ है, ये हाल प्रशासन की लापरवाही के चलते हुआ है। पता है मॉनसून है, लेकिन वहाँ का जो सबसे बड़ा नरसिंह मेहता तालाब है, उसके ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया था। और ब्यूटिफिकेशन का काम भी ऐसा कि वहाँ पे आने वाले जितने भी पानी के सोर्सेज थे, उन सब को बंद कर दिया। पानी जाए तो जाए कहा, तो पानी गलियों में बहता हुआ नदी से मिला। जो तालाब में पानी जाना चाहिए था, वो पानी गलियों में बहा, सोसाइटियों के अंदर घुसा, लोगों के घरों के अंदर तबाही मचाई, और फिर वो पानी आगे निकला। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से टाउन प्लानिंग होनी चाहिए थी, जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, कि उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि मॉनसून के वक्त में अगर तालाब के ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया जाता है, तो सवाल प्रशासन पर ही खड़ा होता है। अब अगर गुजरात की बात की जाए, देखिए सूरत जो है, सूरत का खाड़ी इलाका है। अब खाड़ी इलाका पता है कि हर साल यहाँ पे इसी तरीके से पानी जल भराव होता है, लेकिन प्रशासन उसे चौड़ा करने या उसको साफ करने का कोई काम नहीं करता है, जिसके चलते जो आसपास के लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। हालांकि बारिश गुजरात में लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही है, और कई इलाके ऐसे हैं जैसे सूरत हो गया, नवसारी हो गया, वलसाड़ हो गया, वापी हो गया, जहाँ पे बारिश हो रही है, और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। आज सुबह से जामनगर में लगातार बारिश हो रही है, जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ वहाँ लगातार जो है जल भराव की स्थितियां सामने आ रही है, क्योंकि जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो ना काफी साबित हो रही है। जी गोपी, आपने जो बात यहां पे उठाई, उससे एक सवाल और पैदा होता है कि हमारा जो सिस्टम है गुजरात का, क्या कितनी बारिश को वहन करने के लिए वो तैयार है, और कहां पर वो फेल हो जाता है? क्या बारिश उस मात्रा में हो रही है कि सिस्टम फेल हो जाए, या फिर ये केवल तैयारियों की खामी है, तैयारियों की कमी है? देखिए, तैयारी और प्लानिंग की कमी है। यहाँ पे जूनागढ़ में जो हुआ, जो दृश्य हमारे सामने आया, उसमें तो हम यही कह सकते हैं कि प्लानिंग की कमी है। सूरत में भी यही कह सकते हैं, क्योंकि जो खाड़ी का इलाका है, खाड़ी के इलाके में हर साल इसी तरीके से पानी आता है, तो प्रशासन क्यों इस हिसाब से तैयारी नहीं करता है कि जब पानी आता है या बारिश होती है तो वो पानी को सहन कर पाए, या फिर वो इलाके में जो पानी आया है वो पानी सीधा निकल जाए, इस तरीके के इंतजाम क्यों नहीं वहाँ पे किए
जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्री मॉनसून प्लानिंग तो बहुत की जाती है, करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं प्री मॉनसून प्लानिंग के नाम पर, लेकिन अंततः होता है यही कि हर इलाके में जल भराव का सामना करना पड़ता है आम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी आपका ये तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो गोपी ने जो हमारी संवाददाता ने बताया कि गुजरात में कम से कम जो तस्वीर आ रही है उसमें जो सबसे बड़ा कारण उभर कर आता है वो आता है प्लानिंग का, और जब मॉनसून की प्लानिंग की बात आती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस सबसे बड़ी जिम्मेदार संस्था होती है उसके लिए, क्योंकि सारी प्लानिंग उन्हीं को करनी पड़ती है। सीधे मैं रुक करना चाहूंगा रवि राजा जी का, जो कि फॉर्मल एओपी रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के। हम सीधे बात करेंगे रवि जी से। रवि जी, आपने मुंबई का हाल देखा और हर बार बरसात में हम यही हाल देखते हैं, बीएमसी दावे बड़े बड़े करती है लेकिन दावों के मुताबिक तस्वीर सामने नहीं आ पाती, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? संसाधनों की कमी होती है, प्लानिंग की कमी होती है, इच्छा शक्ति की कमी होती है, क्यों आखिर मुंबई डूबती है? आनंद जी, जैसे आपने बताया विभिन्न शहरों के बारे में, लेकिन मुंबई शहर के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 3 साल से आपने ये क्लाइमेट चेंज का जो पैटर्न है आपने देखा होगा कि मुंबई शहर में जब बारिश गिरती है 2 दिन में 15-16 दिन का बारिश 2 दिन में पूरा कवर हो जाता, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज का पैटर्न उनको पता है तो महानगर पालिका के जो वहां पर अधिकारियां बैठे हैं, और जैसे आपने बताया कि मुंबई महानगर पालिका एक श्रीमंत महानगर पालिका जिसका बजट कई स्टेटों से बड़ा है, 45,000 करोड़ का, इस बार तो 52,000 करोड़ का बजट निकला इस बार, जब इतना बड़ा बजट है तो मुझे लगता है कि महानगर पालिका का जो प्लानिंग है कहीं ना कहीं प्लानिंग का अभाव है, और दूसरी बात है इच्छा शक्ति नहीं है, और तीसरी बात है कि आपने खुद देखा आपके शो में अभी आपने महानगर पालिका के जो एडमिनिस्ट्रेटर है अब वहां पर कोई भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद कहा कि हमारा काम पूरा हो गया, तो उनको पूछना चाहिए कि भाई काम पूरा हो गया तो मुंबई भर क्यों रहा है, पानी क्यों भर रहा है? और दूसरी बात ऐसा है कि आपको आने है कि प्लानिंग बराबर करना पड़ेगा, और बहुत गंभीर बात है कि पिछले 2 दिन में झाड़ गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। अरे झाड़ गिरने से अगर लोगों की मौत होती है तो इससे खराब परिस्थिति महानगर पालिका के जो एडमिनिस्ट्रेशन पर, इससे बड़ा काम कैसे हो सकता है? तो जी मैं आता हूं, जी रवि जी मैं आपके पास आता हूं, मैं सीधे यहां पर रुक करना चाहूंगा अजीत त्यागी जी का, जो कि आईएमडी के फॉर्मर डीजी रहे हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे। अजीत जी, यहां पर एक पॉइंट रवि जी ने उठाया वो ये कि बारिश का पैटर्न बदल रहा है और ये बदलता पैटर्न भी समस्या पैदा कर रहा है, इसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्या ये एक कारण है, बहुत सारे कारणों में से एक कारण, बड़ा कारण ये भी है? बिल्कुल, बहुत सारे कारणों में से ये कारण भी हो सकता है, अभी इसका डेफिनेटिव आंसर तो नहीं है, परंतु क्लाइमेट चेंज के कारण जो डेटा हमारे पास पिछले 50 वर्षों में देखा गया है कि जो इंटेंस रेनफॉल है, हेवी रेनफॉल है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, और इसके चलते हुए क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगर 2 या 3 दिन में एक सीमा को पार कर जाता तो वो फ्लड की स्थिति पैदा कर देता है जी। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास पिछले 150 वर्ष का रेनफॉल डेटा है जी। हमारे पास ऑल्सो रिटर्न पीरियड है कि इतनी एक्सट्रीम रेनफॉल होती है, तो प्लानिंग के अंदर अगर इनको फैक्टर किया जा सके तो कई बार इस प्रकार की स्थिति से बचा जा सकता है जी। अजीत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जब मॉनसून का प्रिडिक्शन होता है तो अमूमन 1 महीना पहले 1.25 महीना पहले मौसम विभाग उसका प्रिडिक्शन कर देता है, और जब मॉनसून सीजन की शुरुआत होती है तो मुझे लगता है कि जितनी सिविक एजेंसीज हैं वो लगातार मौसम विभाग के संपर्क में रहती हैं, उनके फोरकास्ट को देखती रहती हैं, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग को अंजाम देती हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता? देखिए, कुछ काम लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी प्लानिंग चाहिए, डिसिल्टिंग ड्रेनेज सिस्टम, तो ये शॉर्ट रेंज फोरकास्ट से इनका सामना नहीं किया जा सकता है जी। तो उसके लिए, परंतु जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट हैं 3 से 5 दिन के हेवी रेनफॉल फोरकास्ट, उससे जानमाल की जरूर हम बचाव कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा साइक्लोन बिपोर जॉय से, अगर उस उन चेतावनी का अगर समुचित ध्यान रखा जाए तो हम इसका जरूर, परंतु जहाँ तक कि जैसा बताया जा रहा है कि
तालाब में पानी रोक दिया गया है, वहाँ नहीं जा रहा है या ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। और उसके लिए जो हमारे पास क्लाइमेटोलॉजिकल डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है के आधार पर दुखद बात तो ये कि आप दिल्ली के पास गुरुग्राम में देख लीजिए, 3 या 5 सेंटीमीटर रेनफॉल जो कि नॉर्मल होता है उसमें फ्लडिंग हो जाती है। तो इस प्रकार हेवी रेनफॉल के साथ फ्लडिंग होना स्वाभाविक है बहुत ज़्यादा, अगर परंतु अगर सामान्य रेनफॉल है उसमें भी फ्लडिंग हो रही है शहरों में, जैसा कि हमने देखा आपने तो मुंबई और ये दिखाया पर पिछले वर्ष बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, लगभग हर बड़े शहर में जी ये एक आता हूं मैं। अजीत जी, आपने वैलिड पॉइंट यहाँ पे उठाया कि केवल एक शहर की बात नहीं है बल्कि हर बड़े शहर की ये तस्वीर मानसून के दिनों में उभर कर सामने आती है। डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जी का हम रुख करेंगे जो कि आर्किटेक्चर भी है और साथ ही साथ अर्बन प्लानिंग से भी वो जुड़े हुए रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये शहरों की डूबती तस्वीर जो सामने आ रही है, इनमें मेन कॉज आप क्या देख रहे हैं? क्या बेतरतीब जो विकास कार्य निर्माण कार्य हो रहा है उसको आप वजह मानते हैं, या प्रॉपर प्लानिंग के अभाव को आप वजह मानते हैं, या फिर आप ये वजह मानते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है इन शहरों का वो जितनी आबादी के लिए था उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है और ये ड्रेनेज सिस्टम अब बरसात की एक सीमा के बाद उसको सहन करने की उसमें स्थिति में ही नहीं है? नहीं, इसमें ये सारे रीजन माने जा सकते हैं जी। और पहली बात तो ये सारे रीजन वैलिड है, और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो शहरों का ज्यादातर शहरों का जो विकास हुआ है वो एक किस्म से कहिए कि पहले एक छोटे लेवल पे था, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, और इस तरीके से क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो जो जितनी आबादी और जितने एरिया और जितने जिस मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और ज्यादातर क्या है कि हर जगह क्राइसिस मैनेजमेंट ही होता है कि अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ ठीक कर दो, यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ ठीक कर दो। अब किसी भी सिटी का 30 साल 40 साल का रियलिस्टिक होता क्या है, जो भी प्रिडिक्शंस करते हैं वो 4 साल 5 साल 10 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। रीजन यही है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव जब तक एक स्टडी करके और एक सुटेबल जब तक व्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक इसी तरीके से होता रहेगा जी। मास्टर अच्छा, प्लान की बात करें तो मास्टर प्लान पास होने में ही सालों लग जाते हैं, जब तक मास्टर प्लान पास होता है वो एग्जीक्यूट होता है नहीं, मास्टर प्लान का समय आ जाता है। अच्छा, एक तो ये बात है मास्टर प्लान का, दूसरा ये है कि अगर आप बहुत माइक्रो लेवल पे भी चले जाइए तो किसी भी कॉलोनी की पता चला कि नालियां जो है पता चला वो सारे प्लास्टिक उससे भरी होगी, कहीं कहीं पता चला कि प्रॉपर मतलब एक माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक एक हमारे पास जो है एक्टिव सॉल्यूशन जो है निकल नहीं पाता है, हर साल प्रॉब्लम होती है। और ये वहीं क्या नहीं, दिल्ली में देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए, गुड़गांव में देख लीजिए, किसी भी शहर में, सब शहरों में किसी ना किसी लेवल पे। अच्छा, इस एक तो ये प्लान डेवलपमेंट्स में है, दूसरा जो जो एरियाज अनप्लान्ड हो रहे हैं, जितने भी ऐसे ऐसे तमाम इलाके हैं, चाहे दिल्ली में ही देख लीजिए, इतने इतने इलाके हैं जो अनप्लान्ड हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स और ज्यादा हैं। अब इस समय जो है जैसे ही बारिश शुरू होती है पता चला कि कॉलोनी के लोग जो है अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अनप्लान्ड निर्माण अनप्लान्ड विकास क्यों होता है? क्या इसकी वजह यह है कि आबादी पहले आती है और सरकार की जो शहर है उसकी डिजाइनिंग बाद में हो रही है? नहीं, ये बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है, इसमें मतलब सोशल से लेके इकोनॉमी से लेके पॉलिटिकल से लेकर के आपको पता है सारे सिस्टम शामिल हैं इसमें, इसका कोई स्ट्रेट लाइन जवाब है नहीं। हम सब शामिल हैं और इतनी होता क्या है कि प्लान्ड एरियाज की कॉस्टिंग में और अनप्लान्ड एरियाज की कॉस्टिंग में इतना फर्क है कि वहां तमाम बायर्स उसमें जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं तो आधे अधूरी चीजों में जा रहे हैं, बाद में जब जब कुछ सालों बाद लोगों की नजर उन पे पड़ती है तब वो उनको भी ये होता है कि इनको भी शामिल कर लीजिए। तो देखिए मसला है शहरों का पानी में डूबना और उस कितना व्यापक मसला है वो इन हमारे विशेषज्ञों की बातचीत से आपको अंदाजा लग गया होगा। मैं सीधे यहां पर रुक करना चाहूंगा मेजर जनरल डॉक्टर JK बंसल का जो कि NDMA के मेंबर रहे हैं।
देखिए जब जल भराव हो रहा है, जल जमाव हो रहा है, तो फिर आपात स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, और उस सूरत में हमारी जो आपदा प्रबंधन की एजेंसियां हैं वो एक्शन में आती हैं। उसी विषय पर हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब पानी की निकासी की व्यवस्था है नहीं है, इंतजाम हुए नहीं हुए, लेकिन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, तो लोग इस दौरान जब पानी में फंस गए हैं, अगर वो उनकी नियति में है, वो फंस गए हैं पानी में, तो उनको सावधानी क्या बरतनी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके? देखिए पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, जब एनडीएमए बना था करीब 15 साल पहले, हमने नेशनल गाइडलाइन बनाई थी जी, और जो फ्लड है उसको रेस्पॉन्स ओरिएंटेड से हमने एक प्रिपेयरनेस में लाए थे कि इसके मिटिगेशन, प्रिवेंशन और प्रिपेयरनेस कैसे करनी है जिससे कि इसका कम जान माल का नुकसान हो और अच्छा रेस्पॉन्स हो। उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबको रखा था जी। अब जहां तक इस चीज का सवाल है कि भाई क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कम्युनिटी लेवल पर तो सब लोग अपनी कोशिश करते ही हैं कि अपने जो उनके सुरक्षित कागजात वगैरह हैं उनको, जो इम्पोर्टेंट कागज हैं उनको रखते हैं, फूड वगैरह की अपनी रखते हैं और एक सेफ जगह पे जाते हैं। लेकिन ये जो एक फ्लड वगैरह है, जब इतने प्लानिंग बनती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, और ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और हर एक को अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल बनाना बहुत आवश्यक है। और जनता का भी इसमें ये है कि जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, इवन जब इलेक्शन आते हैं बहुत सारी चीजों की बातें होती हैं, तो उसमें फ्लड भी एक मुद्दा होना चाहिए, और खास करके जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है जनता के ऊपर में, तो उनको जब वोट देते समय ये कहना चाहिए, ये इस चीज को इंश्योर करें कि जो प्लानिंग प्रॉपर हो, और जो जैसे अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक मीठी रिवर है, उसके चारों तरफ बहुत सारा मलबा डाल दिया जाता है, वहां मैंग्रोव के पेड़ थे उनको काट दिया गया, बाउंड्री बना दी, अगर वो मैंग्रोव के पेड़ रहते तो उसको, वो जो ब्लॉक हो जाती हैं नदियां इस तरह से, जो ड्रेन ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसके लिए सभी रेस्पॉन्सिबल हैं, बिल्डर रेस्पॉन्सिबल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी चीज जो अव्यवस्थित है, जो नॉन प्लान्ड है, उसको नहीं होने देना चाहिए, और ये ड्रेन वगैरह जो एज पर जो फ्रेमवर्क बने हुए हैं ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर ये बात चल रही है, अभी थोड़ा पैटर्न में भी चेंज है, और जिसके लिए जो क्लाइमेट चेंज को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो वर्ल्ड में सभी जगह इस तरह की बारिश हो रही है, जो आप देखते हैं जो खास करके मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज में भी बारिश होती है जी। तो एक सिंडई फ्रेमवर्क था, जो सिंडई में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो क्लाइमेट चेंज के लिए अभी पूरे वर्ल्ड में भी सब बातें करते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है, और अपने जो लोकल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनको भी कड़े कानून बना करके अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो फ्रेमवर्क और जो गाइडलाइन बनाई गई है उनको फॉलो किया जाए, तो फ्लडिंग रेन का भी कम होगा और फ्लडिंग भी जो है वो। आपको खुद इतना एक्सपीरियंस है, आप आपदा प्रबंधन से जुड़े रहे हैं, आपने जमीन पर जाके हालात देखे हैं, लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं, उन समस्याओं का सामना करते हैं, तो वो कौन कौन सी वजह आपको समझ में आती है कि अगर इसको एड्रेस कर दिया गया होता वक्त रहते तो शायद ये हालात पैदा ना होते, शायद ये शहर पानी में ना डूबता, शायद यहां की सड़कें जलमग्न ना होती, तो वो कौन कौन से हाईलाइट की पॉइंट्स हैं जो आप यहां पे हाईलाइट करना चाहते हैं? देखिए जो फ्लडिंग दो तरह का होता है, एक तो रूरल फ्लडिंग है जो नदियों के तूफान से होता है, एक होता है अर्बन फ्लडिंग जो रिवर्स फ्लडिंग है, और इसका मुख्य कारण कोई पानी बाहर से नहीं आता बल्कि जो शहर का पानी है वो नहीं निकाला जाता। अब इसमें उस समय जो है उस स्थिति में आप कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकते, और इट इज सैड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इसका तो एक प्रिपेयर्डनेस ही है कि ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरह से होनी चाहिए, जो प्लास्टिक नालियों में रुक जाता है, ड्रेन नहीं होता है, मलबा डाल दिया जाता है, अनप्लान जो बिल्डिंगें बनती हैं, तो इसका करना बहुत ही आवश्यक है। उस समय तो ये एक बहुत ही ज्यादा ज्यादा ये होता है कि जहां पर लोग फंस जाते हैं उनको निकाल दिया जाए, फूड दे दिया जाए, जो बीमारियां होती हैं उसके बाद में बहुत सारी फ्लड के बाद में मक्खर मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं, मलेरिया और आपका डायरिया, कोलरा, टाइफाइड, सभी तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो इनके लिए भी बहुत जरूरी है कि स्वच्छ पानी का इंतजाम हो और स्वच्छ फूड का इंतजाम हो, जबकि इतने बड़े व्यापक पैमाने पर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लिया मुंबई को लो, 2 करोड़ की आबादी है, अगर फ्लडिंग हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। 26 जुलाई 2005 में जब वहां बारिश हुई थी तो करीब हजारों लोगों की जान चली गई थी और 14,000 लोग वो बेघर हो गए। तो इन चीजों से सबक लेते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें गवर्नमेंट है, बीएमसी है, वो सबको
एक इसका संज्ञान लेकर के और जी पीछे के चीजों से कुछ लेसन सीखकर उसको ऐसे, जो अगर हम मुंबई की बात लें तो ये रिक्लेम्ड लैंड है, ये जी 7 टापुओं का बना हुआ है, यहाँ पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है और रिक्लेम को और बढ़ाते जा रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जी जरूरी है। तो बिल्कुल, मैं तो आप सिर्फ यही बिल्कुल सही कहूंगा। कह रहे हैं कि एक संगठित प्रयास की यहां पर जरूरत है, लेकिन वो संगठित प्रयास किस दिशा में कैसे किया जाए ये जानना भी बेहद जरूरी है, जिससे कि समस्या का कुछ हल निकाला जा सके, शहरों को डूबने से बचाया जा सके। इस समय हम सीधे यहां पर रुख करना चाहेंगे रवि राजा जी का, जो कि फॉर्मर एलओपी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के। रवि जी, अब बात आती है कि सिविक एजेंसी की क्या कोई अपनी लिमिटेशन है, कि संसाधनों की कमी है, क्या बजट का अभाव है, या फिर जिस तकनीक की आवश्यकता है वो तकनीक उसके पास नहीं है, क्या लिमिटेशंस हैं सिविक एजेंसीज की, जो चाहे मुंबई की हम ना बात करें, जो अलग अलग शहरों की सिविक एजेंसीज हैं वो एकदम ऐसा लगता है कि फेल हो गई हैं इन हालात के सामने। नहीं, आनंद जी, जहां तक बजट की बात करते हैं, मुंबई में बजट की, महानगर पालिका के बीएमसी की बजट की कमियां कहीं भी नहीं। जी बजट तो इतना है कि हम जितना काम करें उतने कम है। सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कम से कम 18 हजार से 20 हजार करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हर हर साल होता है। अब बात आती है, जैसे बंसल साहब ने कहा कि जब बारिश आती है, अब मुंबई जैसे शहर में आप जानते हैं, एक एक जैसे 7 बेटों का जो बना हुआ है और लो लाइंग एरिया ज्यादा है, जी लेकिन हम कब तक ये लोगों को बताएंगे कि लो लाइंग एरिया है, बारिश ज्यादा आ रहा है। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज भी मुंबई शहर में जब हमारे जो ड्रेनेज लाइन है सिर्फ 50 mm का है, जी उसको बढ़ाकर कम से कम 100-125 mm का करना चाहिए। जी और दूसरी बात है कि आप रिक्लेम का, सही बात का, आप जब समुद्र को रिक्लेम करेंगे, जी वो आने वाले दिनों पर आपको पता है कि नेचर नेचर टेक्स इट बैक, जी वो आपको वापस लेगा जगह। आप रिक्लेम मत कीजिए। आज कोस्टल रोड बना रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कोस्टल रोड का जो पूरा जगह है उसको पूरी तरीके से रिक्लेम किया गया है। और मैं बताना चाहता हूं कि एक जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आया है कि जो हमारा समुद्र का स्तर है वो बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, और ये बोला गया है कि 2050 में या 2045 में जी पानी इतना आ जाएगा मुंबई के अंदर कि मरीन ड्राइव के फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ जाएगा। तो ये रवि जी बताया जो क्या? बात कह रहे हैं उसमें सबसे अहम बात तो उन्होंने ये बताई है कि बजट की तो कोई कमी नहीं है और बजट तो इतना है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। अब रवि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो किया जा रहा है उसका दायरा क्या है। एक तो होता है समस्या का रिस्पॉन्स करना कि पानी भर गया अब उसको निकासी करनी है, मशीनें लगा दो, ये तो हो गया रिस्पॉन्स। मॉनसून आ रहा है उससे पहले डिसिल्टिंग कर दो, ये तो हो गया रिस्पॉन्स। लेकिन एक होता है प्लानिंग करना कि हालात ही ऐसे पैदा ना हो, क्या उस प्लानिंग की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, प्लानिंग के बारे में ऐसा है कि महानगर पालिका अपने तरीके से प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से आप जब पानी का जो जल जमा हो उसको आप होने मत दीजिए। आप मुंबई शहर में रास्ते की जो हालत होती है उसके बारे में उसका प्लानिंग पहले से होना चाहिए। अब जी हम यहाँ पर आज जो बात करते हैं जल जमाव का, जल जमाव का अब 2 दिन पहले सिर्फ 1 घंटा बारिश किया, बारिश गिरा और आपने देखा कि पूरा मुंबई शहर में और खास करके अंधेरी जी सबवे और ऐसे सबवे में पूरा पानी भर गया था। हमारा ये प्रशासन को मानना है और बताना है। जब प्रशासन को, आपको पता है कि सब आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं, बड़े जी बड़े ऑफिसर बैठे हैं, और जहां तक उनको प्लानिंग करना है हर 3-4-5 साल मैं रवि जी का आपके प्लानिंग पास कम आता से हूं, कम मैं हो भी आपके चाहिए। पास आता हूं। मैं सीधे यहां पे रुख करना चाहूंगा हमारे मुंबई संवाददाता का, क्योंकि बात मुंबई की हो रही है और मुंबई में इस समय भी बरसात है, पारस छाता लेकर खड़े हैं। सुबह से अब तक के हालात, पारस कैसे रहे? बीएमसी ने दावे तो बहुत किए थे लेकिन तस्वीरें दावों से मैच नहीं कर रही हैं। तो बिल्कुल अनंत, ये पहली बार नहीं है, पिछले हम बहुत सालों से ये देखते आ रहे हैं कि बीएमसी हर साल कहती है सबसे अमीर नगर पालिकाओं में से एक मानी जाती है। बीएमसी करोड़ों का उनका बजट होता है और मानसून से पहले तैयारियों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हमने नाले साफ सफाई की, हमने नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जिसके इस बार जो है मुंबई करों को
वाटर लॉगिंग, जल भराव का सामना नहीं करना पड़ेगा, बट ये सारे वादे पहली बारिश में ही खुल जाते हैं। पिछले 3 दिन से मुंबई में इस साल भी बारिश हो रही है, 3 दिन पहले बरसात की शुरुआत हुई, बरसात की शुरुआत होते ही मुंबई के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई में ऐसे कुछ लोलाई इलाके हैं जहां पर हर साल ऐसी ही स्थिति बनती है और उस स्थिति की वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई में अभी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मगर पिछले 3 दिन से जिस तरीके से बारिश हो रही थी, जल जमाव बहुत सारी जगह पे हुआ। ऐसा नहीं है कि बीएमसी ने इंतजाम नहीं किए हैं, बीएमसी ने बहुत सारे इंतजाम किए हैं, अलग अलग जनरेटर्स लगाए गए हैं, अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े मशीनी पंप लगाए गए हैं जिससे अगर जल जमाव होता है तो उनको तुरंत जो है तक करके निकाला जा सके। आप सालों से मुंबई की हालत देख रहे हैं, ये तो बात हुई कि हर मॉनसूनी सीजन के अंदर पंप लगा देना, रिस्पांस करना, कंट्रोल रूम बना देना, ये तो हुआ तुरंत कि फौरी कार्रवाई आपने कर दी, लेकिन क्या आपने कोई दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखी है इन हालात को ना पैदा होने देने के लिए कि यह हालात पैदा नहीं हो? क्या लॉन्ग टर्म कदम कुछ उठाए गए हैं, क्या कभी देखा आपने ऐसा? अनंत, मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं मुंबई में आए हुए और ये हर साल की कहानी है, ये पहला साल नहीं है, ये हर साल की कहानी है। हर साल इसी तरीके से जो है वो बीएमसी द्वारा दावे किए जाते हैं कि इस साल जो है मुंबई में हमने ऐसे प्रोग्राम किए गए हैं, ऐसे प्रोग्राम जो है हमने बनाए हैं, इस तरीके की तैयारियां की गई है जिससे वाटर लॉगिंग नहीं होगा, मगर वाटर लॉगिंग हर साल होता है। सबसे बड़ा कारण अगर हम एक्सपर्ट की माने जो पूरे इसको मुंबई को बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, उनका कहना है कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन मुंबई की ऐसी है जिससे जो है वो पानी कहाँ निकास होगा वो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ड्रेनेज सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम है। तो यही सबसे बड़ा कारण जो है वो दिखता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरीके से की जाए। बीएमसी हर साल कहती है कि इस साल हमने इतना खर्चा करके ये चीजें लगाई हैं, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज की मैं बात कर रहा था नंद, वो पिछले साल कारगर साबित हुए थे, मगर हर साल बारिश का प्रमाण जो होता है वो बदलता रहता है। हर साल अगर आप इसी तरीके के इंतजाम करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहले 3 दिनों में जिस तरीके के हालात मुंबई में हुए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्वक है, क्योंकि 3 दिन में बारिश काफी हुई है, हर जगह जल जमा हो रहा है और वो उस जगह जल जमा हो रहा है जो पिछले कई सालों से हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात सामने आती है कि बीएमसी की तैयारी की तो क्या तैयारियां थी, और जो आप बात कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म तैयारियां करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुंबई जो शहर है यहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग रहते हैं और हर रोज जिस हिसाब से भीड़ बाहर निकलती है और बारिश में अगर मुंबई रुक जाता है बारिश की वजह से तो लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए क्या करना चाहिए ये बेहद जरूरी है। जो बातें सामने आती है वो ये है कि अंग्रेजों के जमाने का जो है जी बिल्कुल पारस बिल्कुल बिल्कुल आपको आपने जो बात बताई कि दावे तो बहुत होते हैं लेकिन मुंबई हर साल इन हालात से जूझती है, बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं मुंबई के जो लोगों को जुबानी याद हो गए, मिलन सबवे, अंधेरी सबवे, हिंद माता, ये कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां पर हर बार पानी भरता ही भरता है बारिश अगर होती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, मुंबई की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमें बताने के लिए। मैं सीधे हरीश जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। हरीश जी, जब आती है किसी समस्या के समाधान की, 3 पैमाने हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, अगर इन 3 कैटेगरी में हम बांट दें इस शहरों की डूबती हुई समस्या को, पानी में डूबते शहरों की समस्या को, तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहला कदम, जो कदम उठाए जाने की जरूरत है, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? फिर हम आप मिड टर्म भी जानेंगे और आपसे लॉन्ग टर्म भी जानेंगे। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो एक तो ये है कि तमाम ये जैसे जो आपके विजुअल्स में दिखा रहे हैं ये सब इलाके ढेर सारे तो ऐसे हैं जहां आज ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, और ढेर सारी जगहों पे जहां पे ड्रेनेज सिस्टम है पता चला नालियां चौक हैं। तो एक तो ये है कि जो फिलहाल जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उस सिस्टम का मेंटेनेंस इस लेवल पे किया जाए कि वो बेस्ट मेंटेनेंस हो और वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर पाए। तो वो अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन एटलीस्ट जो सिस्टम हमारा एग्जिस्ट कर रहा है उसको एक ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसका सरलीकरण करूं हरीश जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जिन इलाकों में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, मसलन वहां पर नालियां नहीं है, पानी का नेचर है बहना, अगर उसका रास्ता रुकेगा तो वो जल वो वहां पे एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो पानी को बहने देने के लिए रास्ता बनाना सबसे पहला शॉर्ट टर्म उपाय है इसका, जहां पर नहीं है वहां पर बनाया जाए।
एक तो ये है, दूसरा ये है कि जितनी नालियां एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें से गाद निकालना, और जो 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 क्योंकि तमाम तमाम नालियां हैं जो पता चला 1/4 कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो होता क्या है कि पानी के साथ कि एक बार पानी आया इकट्ठा हो गया, अब बहुत धीरे धीरे जा रहा है, और एक है कि जितना आया उस एक स्पीड से चला गया, तो भरने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, और ये छोटी छोटी ड्रेन से लेकर के बड़ी ड्रेन तक ये सारा ये अप्लाई होता है। एक्चुअली सारे फेल्योर का कारण ही यही है कि आपकी आपने किसी और कैपेसिटी पे या किसी और पॉपुलेशन के हिसाब से आपने अपने ड्रेन्स को बनाया, मेन ड्रेन्स को बनाया, और आज शहर बड़ा हो गया तो वही सेम ड्रेन्स को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, स्पेशली मेन ड्रेन्स में। जी अगर हम बात करें हरीश, मिड टर्म जो उपाय हो सकते हैं, मिड टर्म उपाय के अंदर ये भी कहा जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग एक बड़ा उपाय के तौर पर इसको देखा जा सकता है, अगर उसके लिए हम रिजर्वर्स बना दें तो एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, इसको आप कितना कारगर मानते हैं, और इसके अलावा और मिड टर्म में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो है फायदेमंद, और इसके अलावा जो इससे तो और भी समस्या हमारी सही हो सकती है कि जो वाटर टेबल लगभग हर शहर में ये साल दर साल घटता जा रहा है जी, वो हमारे को तो इससे तो डबल फायदा है, वो तो इन एनी केस होना ही होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ मिड टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी कुछ बड़े बड़ी बड़ी जो ड्रेन्स हैं उनकी कैपेसिटी, और इसके अलावा अगर मानिए कोई लो लाइंग है और नॉन लो लाइंग है, इस तरह की चीज जैसे इलाहाबाद में हमने देखा कि वहाँ कुछ लो लाइंग एरियाज थे लेकिन उन्होंने अच्छा अच्छा मैनेजमेंट करके काफी काफी मेंटेन किया उसको, स्पेशली गंगा के आसपास के कुछ इलाके हैं जहाँ लो लाइंग है लेकिन हर साल वहाँ पे जो है अच्छा ड्रेनेज स्पेशली अगर कंटिन्यूअसली हो जाता है। तो अगर टाउन प्लानिंग के हिसाब से देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि वक्त के हिसाब से जो हमारा पुराना सिस्टम था निकासी का, जिसमें तालाबों की इंपॉर्टेंट भूमिका थी, जिसमें छोटे छोटे कुओं की इंपॉर्टेंट भूमिका थी, जिसके अंदर नदियों के साथ जो सह नदियां होती हैं उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका थी, उन सबको पाट दिया गया, उनके ऊपर निर्माण कार्य हो गए, और अगर उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए तो कितना हेल्पफुल होगा? नहीं, इसपे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी हो रहा है कि जितने हमारे पुराने तालाब थे वो अच्छे साधन थे रिचार्ज के लिए, क्योंकि एक समस्या दूसरी समस्या से जुड़ी हुई है। अब रिचार्ज सही, क्योंकि अब हमने सारा हार्ड बना दिया तो हार्ड बनाने से क्या हुआ कि आपका रिचार्ज नहीं हो रहा है, रिचार्ज नहीं हो रहा है तो वाटर टेबल डाउन जा रहा है, तो वाटर अब उसमें वो भी शामिल है कि जितने तालाब थे हर शहर का ये है कि हजारों हजार तालाब होते थे और उनसे रिचार्ज होता था और वो सारे जो है लोग उनको पाट के जो है अपने। मैं आता हूँ हरीश आपके पास, मैं सीधे अजीत जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अजीत जी, आप मौसम उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, शुरुआत में हमने बातचीत में देखा, लेकिन मौसम विभाग कैसे सिविक एजेंसीज के साथ मिलकर इस समस्या को एड्रेस करने में अपनी भूमिका निभा सकता है? क्या आप सिविक एजेंसीज को यहां पर सलाह देना चाहेंगे कि वो अगर उस दिशा में कदम बढ़ाएं तो एक समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग? मौसम विभाग इसमें तीन प्रकार से कार्रवाई लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है जी। ऑलरेडी जो सब सिटीज है, मेजर सिटीज, वहां पर ऑब्जर्विंग सिस्टम वार्ड लेवल तक हम पहुंच रहे हैं ताकि हर वार्ड की जो वल्नरेबिलिटीज हैं उसके बेसिस पर हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग दे सकें, वार्निंग दे सकें जी। क्योंकि सारे शहर में एक समान पानी के से जल भराव की स्थिति नहीं होती है, वार्ड लेवल पर ही अगर उसको अटेम्प्ट किया जाए तो डेफिनेटिव एक्शन, टारगेटेड एक्शन हो सकता है। तो हमारा ऑब्जर्विंग सिस्टम है जो कि वार्ड लेवल तक के, बॉम्बे में ऑलरेडी 130 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा चुके हैं जिनका की रियल टाइम अपडेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलता है हर 15 मिनट में, कहा ताकि लोकल ट्रैफिक और लोकल जो इंटरवेंशन हैं शॉर्ट टर्म के, इमीडिएट इंटरवेंशन हैं उनको किया जा सके। चलिए मैं आखिरी मिनट मेरे पास बचा है, आपने भी बताया कि तीन स्तर पर प्लानिंग मौसम विभाग भी कर रहा है जिससे कि ऐसे हालात से बचा जा सके, और वो क्या क्या है वो कदम आपने बताए, हम सीधे दत्ता सर का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। अब सर, जब आप जाते हैं ग्राउंड के ऊपर तो अक्सर ये देखा जाता है कि बरसात का मौसम या बरसात से पहले का मौसम हो, एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कभी जल विभाग खोद देता है सड़क को, कभी टेलीफोन वाले सड़क को खोद देते हैं, कभी बिजली वाले सड़क को खोद देते हैं, और उस समय जब उनकी पैरलन करने की बात आती है, जब भराव की बात आती है, चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, वहां पर भी डिस्टर्बेंस होती है, वो सिस्टम भी बिगड़ता है, इसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है जी। जब ये प्लानिंग हो रही है, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा जी कि जो अभी इमीडिएट सॉल्यूशन है, जो शॉर्ट टर्म है खास करके, या लॉन्ग टर्म भी मान लीजिए उसको जी, हर एक लोकल एरिया में सबसे नीचा एरिया आइडेंटिफाई किया जाए और उस आइडेंटिफाई एरिया में रिचार्जिंग का एक मेगा, यानी कोई छोटा मोटा बोर बना करके, एक बड़ा जो है अर्बन डेवलपमेंट की सलाह से एक अच्छा रिचार्ज करने का सिस्टम बनाया जाए जी। और देखिए बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि जी ड्रेन क्लीन नहीं हुआ, अब आप अगर देखें जो नदियां बह रही हैं सड़कों पे, तो यहाँ ड्रेन का तो कोई रोल ही नहीं रह जाता जी। जब पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी निकासी ही नहीं है, उसको जाने के लिए जस्ट जो तालाब हैं, जो कुंड हैं, वो काट दिए गए हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई हर लोकैलिटी का, क्योंकि एक तरफ तो बिल्कुल पानी किसी एक स्तर पर काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि व्यापक पैमाने पर काम करने की जरूरत है, जिसमें एजेंसीज की भी भूमिका है, जिसमें सरकार की भूमिका भी है, समाज की और लोगों की भूमिका भी है, और मिलके ही दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे तो समाधान निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।